नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 जून और 29 जून के हरियाणा के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आप लोगों के लिए छोटी सी बात है और बहुत ही अच्छी सी बात है कि आपको 1 जुलाई को शाम को 7 बजे में पूरे 6 महीने के करंट अफेयर करवाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि वो क्वेश्चन होंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी हरियाणा के करंट अफेयर भी 6 महीने के करवा दो, तो क्या करवा दूं? आप बिल्कुल सहमत हैं इससे? अगर आप सहमत हो तो प्लीज कमेंट में थोड़ा सा मुझे इशारा कर दीजिएगा और तो मैं करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, पूरे 6 महीने के करंट अफेयर ऐसे ही। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूं और कुछ कर लिए हैं। 1 जुलाई को लाइव आ रहा हूं, लाइव आऊंगा, ध्यान रखिएगा। उसमें मतलब जैसे अब तो मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है यहां पे, लेकिन वहां पे तो मेरा फेस भी होगा और मतलब बिल्कुल जैसे हूबहू हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है पहली कि आप 1 जुलाई को दिन में अपना इंटरनेट बजा के रखिएगा। दूसरा, अपने दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। उसका अपकमिंग लिंक आ चुका है, उसको सेट रिमाइंडर अभी से कर लीजिएगा आप लोग और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करके छोड़ दो, सेट रिमाइंडर करके छोड़ दो, जैसे क्लास स्टार्ट होगी आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन के अंदर। और वो लिंक मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों तक, स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा फेसबुक पे। मुझे जो है वो आप टैग करके भी ऐड कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना कर ही सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 1,01,92,727 केस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर है, भारत जो है वो 4th पोजिशन के अंदर है। भारत के अंदर लगभग 5.5 लाख केस हो चुके हैं और हरियाणा के अंदर जो है यही आंकड़ा 13,829 पहुंच चुका है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से पहले का जवाब है कि रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका सिरसा था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है, इसका आंसर महेंद्रगढ़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चरखी दादरी जब तक नहीं बना था तब तक भिवानी सबसे बड़ा जिला था, बी ऑप्शन। और अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत सारे आते हैं लेकिन करनाल नहीं आता है, ए ऑप्शन सही है। कालका पंचकुला के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन ठीक है। आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम के बाद अब हरियाणा के किस जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा रैपिड एंटीजन का मतलब आपको पता होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि रैपिड एंटीजन का मतलब क्या होता है। रैपिड का मतलब होता है इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाना हमारी बॉडी से। एग्जांपल से आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो प्रेगनेंसी चेक की जाती है तो इसी टाइप की किट होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे कुछ यूरिन वगैरह जो है डाला जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ऐसी लाइनिंग वगैरह बन के आए तो मतलब वो फीमेल जो है प्रेगनेंट है। ऐसे ही जो है ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, इसके अंदर जो है हमारी लार वगैरह या हमारा बलगम वगैरह डाला जाएगा और 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रिजल्ट दे देगा। अभी ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है नंबर ऑफ टेस्ट है वो बढ़ाए जा सके। ये पहले तो गुरुग्राम में शुरू किया गया क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जो है केसेस बहुत ज्यादा थे या है भी अभी सबसे ज्यादा। लेकिन अब इसके साथ साथ फरीदाबाद में भी शुरू किया गया है, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एंटीजन क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, जो बाहर से अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया जो हमें बीमार करता है उन्हें कोई एंटीजन कहेंगे हम लोग, और हमारे शरीर में इनके खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर होती है। हम लोग विटामिन खाते हैं या हम लोग फल फ्रूट रोटी वगैरह जैसे भी चीजों से हमारे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर होते हैं विटामिन से, या हम लोग कोई फाइबर्स वगैरह लेते हैं उसी वजह से ही। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले फरीदाबाद का जिक्र करते हैं। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। फरीदाबाद में झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला प्रसिद्ध है और सूरजकुंड मेला प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। चलिए आपको कमेंट में बताना है, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर एक लड़की को बनाया गया, जिसका फोटो भी मैंने दिखा रखा है ये रहा, ठीक है। इस लड़की का नाम आप बता सकते हैं या कमेंट में, छोटी ही उम्र की है ये, ठीक है। तो हस्ताक्षर अभियान से इनका सिलेक्शन हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर का मतलब क्या है। इस अभियान का सीधा सा उद्देश्य ये है कि गाँव के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनको अपनी बात रखने में थोड़ा सक्षम बनाना, और इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी सुनील जागलान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी राशि का सहयोग किया है। तो भी हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस ऑप्शन में से 70 लाख आंसर सही रहेगा, वैसे एग्जैक्ट जो है वो 71,54,445 रुपए की राशि जो है वो दी है।
अब आप सोच रहे होंगे सर जी 5 रुपए दिए होंगे क्या, ये बात मैं भी सोच रहा हूँ, 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे क्या इन्होंने, फालतू में बावली बूझ बनाने वाला काम है। पूरे 70 लाख दे देते, ये ऊपर वाली की चीज खा लेते, आम पापड़ चापड़ ले आते, ये पागल। खैर, केयूके की कुलपति का नाम क्या है, डॉक्टर नीता खन्ना है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने के आदेश दिए हैं। इनमें से किस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा, तो देखिएगा, मैक्रो इरिगेशन के लिए आप सभी को पता है कि हमारा जो हरियाणा का भूजल स्तर है वो नीचे चला गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 5-5.5 मीटर नीचे चला गया है। अब इसी के तहत हम लोग जो है खुला तो पानी नहीं लगा सकते, या ऐसे अगर लगाते रहे तो भविष्य में पानी तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए अब थोड़ी सी माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है सांझा ढांचे का निर्माण करना। इसका मतलब ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रिपेयर होना चाहिए ना, जैसे हम ड्रिप सिंचाई भी करते हैं तो उसके लिए खेतों में पानी के लिए छोटी छोटी पाइपें वगैरह, जड़ों तक पाइप वगैरह पहुंचाना, ये सारा काम तो करना पड़ेगा ना। दूसरा है खेतों में टपकन विधि, टपकन विधि द्वारा भी जो है अगर हमें खेती में पानी लगाना है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। केवल पौधों की जड़ में पानी जाएगा, खेत में खरपतवार ज्यादा नहीं होगी, फसल भी अच्छी होगी, पानी भी कम लगेगा। फवारा सिंचाई प्रणाली, आप लोगों ने कभी राजस्थान में फवारा सिस्टम देखा होगा, इवन आप लोगों के खेत में भी कई बार लगा रखते हैं या पार्कों वगैरह में तो होता ही होता है ये, तो ये सिस्टम भी बहुत अच्छा है पानी बचाने का, ठीक है। तो ये सारे ही ठीक रहेंगे, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वन विभाग द्वारा सरस्वती नदी में भूमि का कटाव रोकने के लिए दोनों किनारों पर कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो दोनों किनारों पर लगाए जाएंगे 6000 पौधे लगाए जाएंगे, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस सरस्वती नदी की खुदाई का काम जो है 5 साल पहले यानी कि 2015 में शुरू हुआ था, और अब इस जो इसकी खुदाई का काम है वो मनरेगा द्वारा करवाया जा रहा है। मनरेगा को लगभग जो है 6,70,000 रुपए की मजदूरी दी जाएगी इस काम के लिए। और आदि बद्री को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, और यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट जाना जाता है ये। और मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये जो अधिनियम है या ये जो योजना है ये उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो इसको जो है लॉन्च किया था। 28 जून 2020 को हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है, इनका 60वां जन्मदिन मनाया गया है, बी ऑप्शन सही है। आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है बजरंग गर्ग, ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बजरंग गर्ग। आगे बढ़ते हैं, तो किस नगर निगम द्वारा बर्थडे और मैरिज सर्टिफिकेट की सुविधा लोगों को घर बैठे देने की शुरुआत की गई है। जैसे हमारे घर में स्विगी जोमेटो वगैरह खाना दे जाते हैं ना, वैसे ही जो है ये सारे के सारे कागज जो है घर बैठे दिए जा सकते हैं, ऐसी शुरुआत हरियाणा में पहली बार हो रही है, और ये की है अम्बाला ने, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इसके लिए एक नगर निगम द्वारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, ताकि लोग जो है इस पे अपनी शिकायत या अपनी जो डिलीवरी है उनको दर्ज करवा सके, और फिर लोगों को घर बैठे ही ऐसी सुविधा मिल जाएगी। अम्बाला का जिक्र हुआ है, तो अम्बाला को हम लोग ट्विन सिटी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि अम्बाला में अम्बाला कैंट है और एक अम्बाला है, और अम्बाला के अंदर जो है माता अम्बा देवी का मंदिर है। कुछ हद तक लोग ये मानते हैं कि इसका नाम अम्बाला इसी वजह से पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे आम सर्वाधिक होते हैं, इस वजह से इसे अम्बाला कहते हैं। अम्बाला को साइंस सिटी भी कहते हैं, अम्बाला को ऑपरेटिव सिटी भी कहते हैं, अम्बाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। और यह अपनी तरह की पहली सर्विस है जिसे पायलट तौर पर अम्बाला सिटी के अंदर जो है वो लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, तो कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है रेवाड़ी के अंदर। हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, उन सभी के सम्मान के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर किया जा रहा है, इस समारोह के मुख्य अतिथि है वो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राजदूत आजाद सिंह तूर हैं। और रेवाड़ी का जिक्र है, तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है, और यहाँ का अगर उपनाम की बात की जाए रेवाड़ी की, जो वीर भूमि कहते हैं, सैनिकों का शहर कहते हैं, ब्रास सिटी यानी कि पीतल नगरी कहते हैं, पीतल बर्तनों का उद्योग जगाधरी है, पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी है। भोली माता का मेला जो है वो फेमस है, बाबा सूरजगुरी का मेला फेमस है, बाबा सैयद समाधि मेला फेमस है। हरियाणा में एक माह पहले फर्टिलिटी रेट 1.04 था,
और अब बढ़कर 1.63 हो गया है। कोरोना वायरस के मामले में WHO ने यह परसेंटेज कितनी बताई है, तो WHO ने यह परसेंटेज बताई है 3%। ए ऑप्शन सही है। अब मन में आया ये फर्टिलिटी रेट क्या होता है, देखिएगा इसका मतलब सीधा सा होता है कि कुल बीमारी का पुष्ट मामलों में मरने वालों का प्रतिशत, बीमारी जिनके अंदर कोरोना वायरस है उनसे पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है उससे जो मर गया, सीधे शब्दों में यूं कहा जाए कि कोरोना वायरस में मौत की दर को ही फर्टिलिटी रेट कहते हैं हम लोग। WHO ने ये 3% बताई थी और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO के अध्यक्ष का नाम टेड्रोस अधानोम है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए आइडिया और उनके बेस्ट मॉडल बनाने के लिए कितने हजार रुपए मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 10,000 रुपए स्टूडेंट्स को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अभी लॉकडाउन के दौरान जो है 6वीं से 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को जो है ये एक वेबसाइट लिंक दिया गया है inspireawards.dst.gov.in। इस पे जो है अपने मॉडल भेज सकते हैं वो, या अपने आइडियाज भेज सकते हैं साइंस मॉडल के, और इसके लिए सबमिशन की लास्ट डेट 10-30 सितंबर रखी है, और अगर किसी का बेस्ट मॉडल रहा तो उसको 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में SC BC कर्मचारियों को जो उनका प्रमोशन है उनमें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी घोषणा किसने की है? ऐसी घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर 2018 के जो भी आदेश थे वो वापस ले लिए हैं। इससे 30,000 जितने भी कर्मचारी उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रोस्टर लागू ही नहीं किया गया और बिना जो है प्रमोशन के ही उनको रिटायरमेंट देना होगा अब हरियाणा सरकार को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में सभी सरकारी बसों में किराए के साथ अब कौन सा टैक्स जोड़ा जाएगा? आप सभी को पता है थोड़े दिन पहले हरियाणा सरकार ने किराया बढ़ा दिया था, और अब जो है किराए के साथ में टोल टैक्स को भी ऐड कर दिया जाएगा। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, क्योंकि पहले जो है किराया ये 52 सवारियों में बटा करता था टोल टैक्स, क्योंकि 52 सवारियों की सीटें होती है बस में और 52 बैठ सकते हैं, इसलिए वो टोल टैक्स बराबर बराबर बढ़ता था। लेकिन अब जो है 30 सवारियों में जो है ये टोल टैक्स बंटेगा, यानी कि अब ये टोल टैक्स ऐड होके किराया, मतलब किराया कहने का मतलब है सीधा सा कि महंगा हो गया। और अभी ऑलरेडी हरियाणा ने जो है दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर 125 रुपए महंगा कर दिया है। आप समझ लीजिएगा महंगाई की मार तो भयंकर पड़ने वाली है, इधर पेट्रोल डीजल के रेट और इधर अब ये बसों के किराए भी। चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे, आप लोगों के लिए 5 सवाल है। हरियाणा में पलवल जिले की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 2008, 4 अप्रैल 2005, 11 नवंबर 1996, या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ पे है? सुनारी रोहतक में है, बहादुरगढ़ झज्जर में है, मधुबन करनाल में है, या ये सारे के सारे ही हैं। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 97, 98, 90, 88। हरियाणा में मधनी शेद कब हटा दिया गया है? और 1 जुलाई 1991, 95, 98 और 96। और हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? 1991, 93, 96, 97। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।